जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको एक देसी मुर्गी दिखाई जाएगी जिसने अंडों पे बैठ के अंडों में से बच्चे निकाले हैं। ठीक है, सुना तो हमने ये था कि असील मुर्गियां ही अंडों से बच्चे निकालती हैं। ठीक है, यानी कि सेवा मांगती हैं असील मुर्गियां ही। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक देसी प्योर देसी मुर्गी है। ठीक है, जिसने अंडों पर बैठ के अच्छा रिज़ल्ट यानी कि दिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने 10 अंडे रखे थे, 10 में से इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 8 यानी कि चूज़े हैच किए हैं। ठीक है, यानी कि 8 चूज़े हमारे निकले हैं। ठीक है, वैसे एवरेज की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है, 10 में से 8 चूज़े मुर्गी ने निकाले हैं, जो कि एक देसी मुर्गी है। ठीक है, वैसे तो असील मुर्गियां होती हैं वो यानी कि अंडों से बच्चे निकालती हैं, या थोड़ी बहुत क्रॉस होती हैं, या मिक्स यानी कि देसी और असील मिक्स होती है। ठीक है, वो यानी कि अंडों पर बैठती हैं और चूज़ों में यानी कि अंडों से बच्चे निकालती हैं। ठीक है, और ये एक हमारी देसी मुर्गी है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो भाई ये कौन सी नस्ल है, भाई ये आम नस्ल है, आम जो सी हमारे पास गोल्डन या देसी मुर्गी होती है। ठीक है, ये वही है। ठीक है, ये मेरे इंक्यूबेटर से निकला हुआ चूज़ा है, यानी कि जो मुर्गी आप देख रहे हैं ये मेरे ही इंक्यूबेटर से निकला था, जो कि मेरे कज़न ने पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल पहले उसको मैंने निकाल के ये यानी कि चूज़े दिए थे, ये मुर्गी वाले। ठीक है, ये आप मुर्गी देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये मुर्गी के जो से यानी कि इसकी जो सी माँ थी वो मैंने कहाँ से ली थी, भाई ये मैंने आम जैसे कुड्डी वाला होता है उससे मैंने ली थी। उसके बाद मैंने उन मुर्गियों से यानी कि अंडे लिए, अंडे लेने के बाद मैंने अपने इंक्यूबेटर में रखे, तो इंक्यूबेटर से ये मेरा हैच हुई। ठीक है, ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं ये इंक्यूबेटर से हैच हुई है। ठीक है, जिसने सेवा मांग लिया। ठीक है, अपने कज़न को मैंने हैच करके दिए थे। ठीक है, उसमें से एक मुर्गी ने ना अंडा देने के लिए गई है, अंडे से उठी नहीं। ठीक है, वो उसने ना सेवा मांग लिया, ऐसे पर उसने खड़े कर लिए जैसा कि सील मुर्गियाँ करती हैं सेवा मांगने के लिए। तो हमने इसके नीचे अंडे रख दिए, जैसे ही हमने अंडे रखे तो ये बैठ गई है। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, बैठी रहेगी। तो 21-22 दिन बाद पता चला कि भाई अंडों में से चूज़े भी निकल आए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा, यानी कि मौजज़ा हो गया हमारे लिए। तो वैसे हम मौजज़े की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ये बात है कि भाई देसी मुर्गी ने यानी कि ना अंडों पे बैठ के चूज़े निकाले। तकरीबन 100 नहीं बल्कि हज़ारों में से कोई एक आध मुर्गी होती है जो कि देसी मुर्गी होती है, जो कि अंडों पे बैठती है और अच्छा रिज़ल्ट देती है। यानी कि बाज़ औक़ात देखा होगा कि भाई कोई मुर्गियाँ ऐसे बैठ जाती हैं लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, लेकिन इसने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि रिज़ल्ट दिया है। ठीक है, अब मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने कज़न को बोलूँगा कि भाई ये मुर्गी मुझे गिफ्ट कर दे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मुर्गी नेक्स्ट टाइम भी सेवा मांगेगी यानी कि अंडों पे बैठेगी तो उसको मैं उस टाइम भी बैठाऊँगा। ठीक है, वैसे बैठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इंक्यूबेटर है, लेकिन फिर भी मैं इसको बैठाऊँगा अंडों के ऊपर, उसका चेक करेंगे भाई ये कैसी हैचिंग आती है। ठीक है, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।